ऐसे प्रिंटर की कवर को ऊपर उठाना है, ऊपर उठा के उसके बाद और एक बार नहीं नहीं इसको और एक बार नहीं तो उठ इसको ऊपर ऐसे उठाना पड़ेगा प्रिंटर कवर को। उसके बाद थोड़ा हाँ यहाँ से ऐसे आहिस्ता कूल करो, इधर दो छोटा छोटा जो जॉइंट है वो जॉइंट में जैसे ऊपर ऊपर लगेगा नहीं, वो ख्याल रखना पड़ेगा, ऊपर ऊपर रहने से टूट जाएगा जॉइंट। हाँ आहिस्ता करके इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, आहिस्ता ऊपर उठाने के बाद सर ये है टोनर, टोनर के अंदर जो प्रिंटर होता है वही टोनर के अंदर ही है, इसको ऐसे करके हाथ ऐसे रखना है, ए प्रिंटेड ए पूरा सामने ही रहेगा, ए लेजर टोनर कैट्रिज ए लिखा पूरा सामने ही रहेगा, उसको ऐसे आहिस्ता पुल करना है, आहिस्ता पुल करने से वो फटाफट निकल जाएगा। उसके बाद नया टोनर ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे निकलते ही देखो ये लिखा इधर है प्रिंटेड लेजर टोनर कैटरीज 88 ये जो लिखा है, और इधर एक बटन है, इस तरफ भी एक बटन है, दोनों साइड दो बटन है जो कि इसमें फिट आएगा, इसको ऐसे सीधा रखो, सीधा रखने के बाद ये दोनों बराबर रहा, बराबर पैरेलल रखने के बाद उसको थोड़ा आहिस्ता छोड़ दो अंदर, वो नीचे चला गया पूरा फिट होके बैठा, जब ये बैठ गया तो थोड़ा परीक्षा करना, हाँ ठीक है और बैठ जाने के बाद हाँ और एक बार इसे दिखाता हूँ, अब ये निकला, उसके बाद इसको ऐसे ही पकड़ना है, ये होल्डर जो है ये हैंडल को पकड़ के इसे ऐसे ही पकड़ना है, उसके बाद इसको इसे उसको जहाँ फिटिंग होता है वो बटन उसके ऊपर पैरेलल रख के थोड़ा पुश करो, पुश करते ही ये भीतर चला जाएगा, भीतर चलने से यहाँ से दो सपोर्ट बार है, एक सपोर्ट बार है इधर, वो सपोर्ट बार इसको सपोर्ट करके रखेगा, वो ऐसे नीचे था वो थोड़ा ऊपर चला आएगा तो सपोर्ट रहा। उसके बाद जैसे पहले जिसको निकाले थे इसको निकालते हैं कवर को, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, पहले इसको नीचे करो, नहीं तो इसको नीचे नहीं करके इसको अगर दबा दोगे तो यहाँ से टूट जाएगा, टूटने से ये काम नहीं करेगा, पूरा प्लास्टिक को चेंज करना पड़ेगा। ये जो सब कवर है, कवर के नीचे जो कवर है वो कवर को आहिस्ते ऐसे ऐसे था ऐसा था, उसके बाद इसको ए ऊपर इसका ऊपर जैसे ए बैठेगा नहीं, ए ख्याल रखना पड़ेगा, बैठने से क्या होगा तो दबाने से टूट जाएगा, तो इसको थोड़ा साइज करके इस तरफ भी देखोगे थोड़ा साइज करके इसे ऐसे रख दीजिए, रखने के बाद इसे ऐसे बैठाना पड़ेगा, हाँ भाई क्या अभी टोनर काम करेगा, प्रिंट करके दिखाते हैं आपको, ये जो टोनर ये टोनर भी काम करेगा, इसके अंदर जो कैटरीज है
वो कैटरेज में इंक डालना पड़ेगा, तो इससे मैं बाहर रख देता हूँ। फिर से यूज हो सकते हैं, फिर इंक डालने से वो फिर से यूज हो सकता है। वो एक नया वाला है, मैं इसे इसके अंदर डाला, तो अभी हम पावर कर्न लगा दिया, उसके बाद पावर ऑन होगा, ऑन किया। ऑन करने के बाद ये सेट होने में 2-2.5 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक ऐसे ब्लिंकिंग करता रहेगा, तो ये ब्लिंकिंग के टाइम में कुछ काम होगा नहीं। ये जब तक अपना पोजीशन में आ जाएगा, स्टील होके रहेगा, ऐसे ब्लिंकिंग नहीं करेगा, तो समझ लो कि हो गया। उसके बाद हम प्रिंटर, उसके बाद हम जेरॉक्स कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली करते हैं। ऐसे पेपर इधर रखेंगे, उसके बाद जो जहाँ चीज जेरॉक्स करना है उसको यहाँ रखेंगे, समझ लो कि एक पेपर जेरॉक्स करना है, पेपर रखा। अभी नॉर्मल काम हमारा शुरू हो जाएगा। हो गया बेहतर है। हाँ कर, अभी हो गया, स्टैंड स्टिल पोजिशन में आ गया। और एक कॉपी निकालना है तो एक इधर नंबर आता है, 1 से 99 तक आएगा। मुझे एक कॉपी निकालना है, तो मैं इसको सेट किया हूँ 1 में, और 2, 3, 4 ऐसे जितना करेंगे उतना हो गए, तो उतना नहीं करेंगे, मुझे तो एक चाहिए। मैं एक में रख दिया, उसके बाद इंक का थिकनेस अगर घटाना है तो माइनस करिए, बढ़ाना है तो इधर ए प्लस थिकनेस बढ़ेगा। अभी नया है इसलिए थिकनेस कम करना पड़ेगा, और नीचे वाला साइज छोटा बड़ा करने के लिए 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे छोटा होता होता जाएगा। अगर ये 10 इंच का है तो अभी 7 इंच का आएगा, अभी 6 इंच का आएगा, अगर बढ़ाना है तो 7 इंच का, 8 इंच का, 9 इंच का, 10 इंच का, और भी ज़्यादा सब आएगा। तो अपना सेटिंग हो गया, अभी स्विच दबाने से जेरॉक्स हो गया, दबाते हैं। अभी आ गया, जितना देंगे उतना डीप आएगा, जितना कमती करेंगे उतना लाइट आएगा। अभी थोड़ा कमती करके करना पड़ेगा, नया नया है तो ज़्यादा ही निकलेगा, तो कमती करना पड़ेगा। कौन सा थे